नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं रैपिड टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। सालों का इंतजार कल होगा खत्म। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां आखिरी चरण पर। देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह। इसरो ने राम मंदिर की तस्वीर की जारी। अंतरिक्ष से दिखा अयोध्या राम मंदिर की अलौकिक छवि। पत्नी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने पति को लिया हिरासत में। घटना सिलीगुड़ी के माटीगारा थाना अंतर्गत शिव मंदिर हाले माथा इलाके की। सिलीगुड़ी के SNT बस स्टैंड संलग्न एक ऑफिस में चोरी के मामले में प्रधाननगर थाना की पुलिस ने चोर सहित चोरी की सामान खरीदने के आरोप में 2 स्वर्ण व्यवसायियों को किया गिरफ्तार। बागडोगरा श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह कमेटी की तरफ से निकाली गई रंगारंग शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में रंग बिरंगी फूलों से सजा राम मंदिर, भक्तों की उमड़ी भीड़। GTA प्रमुख अनित थापा ने सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ स्थित ट्रक स्टैंड परिसर में चालकों के लिए विश्राम गृह का किया शिलान्यास। माता भंगा के 2 नंबर ब्लॉक अंतर्गत इलाके में भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने से 13 ताजा बम बरामद, मचा हड़कंप। पुलिस ने शुरू की जांच। मदारीहाट ब्लॉक अंतर्गत इलाकों में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत। धारदार हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या करने का आरोप पति के खिलाफ, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना फालाकाटा ब्लॉक अंतर्गत इलाके की। 3 महीने से बंद पड़ा नक्सलबाड़ी ब्लॉक अंतर्गत तिरहाना चाय बगान के श्रमिकों एवं बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए समाज सेवियों ने किया पिकनिक आयोजन। रैपिड टाइम्स में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ टाइम्स।